प्यारे बच्चों, आज हम संज्ञा के विषय में जानेंगे। तो आइए, संज्ञा के विषय में जानने से पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। राम और श्याम मसूरी में रहते हैं, दोनों में दोस्ती है। वह एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और साइकिल से स्कूल जाते हैं। उनके घर में कुत्ता भी है। तो अब आप देखिए, इनमें व्यक्तियों के नाम को हम अलग करते हैं। व्यक्ति कौन कौन है इनमें? राम और श्याम, ये दोनों क्या है? व्यक्ति। राम श्याम। अब हम इनमें से प्राणी के नाम को अलग करते हैं। प्राणी यानी कि पशु, पक्षी, जीव जंतु, ये सब प्राणी के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम प्राणी को देखते हैं, कहाँ है कुत्ता। कुत्ता एक पशु है, तो इसमें हम कुत्ता लिख देंगे। व्यक्ति प्राणी के बाद अब हम वस्तु को छांटते हैं कि वस्तु इसमें क्या है। वस्तु देखिए, साइकिल। साइकिल ये एक वस्तु है, चीज है, तो हम यहां पे लिख देंगे साइकिल। अब हम स्थान को छांटते हैं, स्थान देखते हैं कहाँ है। स्थान को जगह यानी कि जगह। मसूरी कक्षा, कक्षा भी एक जगह होती है। स्कूल, स्कूल भी एक स्थान है। मसूरी कक्षा, स्कूल। अब हम इसमें से भाव को छांटते हैं। भाव कौन सा है? ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, दोनों में दोस्ती है। तो जो ये दोस्ती शब्द है, ये भाव है। और भाव जो होता है वो हमारी फीलिंग्स होती है, यानी कि एहसास। तो अब हम इसी से संज्ञा की परिभाषा निकालते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई नाम नहीं हो। सोच के देखिए जरा, आप अपने घर में और बाहर देखिए, सभी चीजों के कुछ न कुछ नाम होते हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो। तो ये सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए अब हम संज्ञा को लिखित रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम देखिए, राम, अजय, सीता, मीना आदि। प्राणी का नाम, घोड़ा, शेर, ये दोनों पशु हैं, तोता, मोर, पक्षी आदि। वस्तु, आम, किताब, पंखा, फोन आदि। स्थान, खेत, खेत भी एक जगह होती है। घर, घर भी स्थान होता है। स्कूल भी स्थान होता है, देहरादून आदि। अब भाव, बचपन, बुढ़ापा, खुशी आदि। तो बच्चों, आज हमने जाना कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।